दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे तय। हम इससे पहले भी तय की बहुत एक वीडियो और कर चुके हैं, तय वर्ग की, पर ये उससे अलग है, डिफरेंट है। तय आंकड़े का प्रयोग। आंकड़े को हम हुक भी कह सकते हैं। ये हमारी ऋषि प्रणाली का पार्ट 10 से 10 है। ठीक है दोस्तों, हम समझेंगे कि एक हुक या आंकड़े को हम क्यों लगाते हैं, ठीक है, और इसको हम हुक और आंकड़े को कहाँ पर लगाने पर इसका तय का अर्थ बनता है ना, इसी बारे में आज पूरी वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे एक परिभाषा है, एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा व्यंजन रेखा के अंत में जब दाएं से बाएं तरफ जोड़ा जाता है तो उससे तय का अर्थ निकलता है। और यह आंकड़ा कै वर्ग से दाएं तरफ ऊपर की ओर हो, और यह रह वह और है में बाई तरफ लगता है। तो जैसे कि ये इनके बदल जाते हैं, ये जो जैसे कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो इनकी दिशा भी परिवर्तित होती है ना, इनके स्थान बदल जाते हैं ना। जैसे कि हम रे का 1 2 3 और चे का 1 2 3 ऐसे शुरू करते हैं ना, तो इसलिए इनकी दिशा के साथ हेर फेर होता है। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहले हमने अक्षर ये ही आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए रे ही ले लिया, तो रे के साथ ऐसे लगेगा ये, ऐसे है ना। दाई तरफ और पै के साथ ये यहाँ लगेगा, ये इसके अंत में लगेगा ऐसे। खै के साथ ये ऊपर की तरफ बनेगा और गय के साथ भी सेम है, पर गय गहरा लिखा जाता है, इसीलिए ये है वक्र। सॉरी दोस्तों, ये भी सरल है, ये मानक में वक्र होता है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज। तो इसके साथ भी ये ऐसे लगेगा। ये तीर से मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। और ये वक्र रेखाओं में ये इनके अंदर की तरफ बनेगा, इसमें जैसे वक्र रेखाओं में ये अंदर की तरफ बनेगा और इनके साथ एक छोटा सा आंकड़ा और लग जाएगा। जैसे कि स है तो हम सह के साथ ऐसे ऐसे, ले के साथ ऐसे, डे के साथ अड़े के साथ ये वाला नहीं है ये, और वैसे ये वाला समझते तो फिर भी ये ऐसे, मतलब पर इसके नीचे बिंदी है ना, तो इसके साथ भी ऐसे। मत मैं के साथ और नै के साथ तो सेम ही समझ सकते हो, फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम पूरी तरह से समझाएंगे आपको, ऐसे ऐसे
और केवल क्रिया के साथ इस घुमावदार आंकड़े का अर्थ ता ती ते होता है और वाक्य में मुहावरे से अर्थ लगाकर समझ लिया जाता है कि इस स्थान का विशेष पर क्या आएगा, उसका क्या मतलब है। जैसे कि ये वाक्य है, मैं जाता हूँ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मैं जाता हूँ। और जैसे कि अब अगला सेंटेंस है, वह जाते हैं, तो वे जाते है। तो ये जो वे आया और ये मैं है ना, तो इससे मुहावरा का ना, मुहावरे से अर्थ से समझ लिया जाता है। तो वे जाता हूँ नहीं आ सकता ना, वे जाता है ना, मैं जाता हूँ मुहावरा बन रहा है ना, वे जाते हैं, वे जाते हूँ नहीं बनेगा ना, इसीलिए। और अब अगर आप अलग करना चाहे तो अलग हो गया जाते, आपकी मर्जी है। और फिर है जैसे कि पोत पोता, गोत गोता, मात माता। संज्ञा के साथ यह आंकड़े व्यंजन की सरल और वक्र दोनों रेखाओं में केवल तय का अर्थ देते हैं। यदि कोई स्वर तय के पश्चात आता है या रखा ना, तो तय के आंकड़े या हुक का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये है पोत, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और इसके साथ जैसे कि ये आ का प्लस हो गया पोता, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही गोत गो ता है ना, या फिर गो ता, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वकर है तो हम इसका प्रयोग करेंगे ना कि इसका। आप पीछे का रिवीजन करते रहना। मात है ना, तो अब तो ये बनेगा लाइन पर, माँ और एक बात और गौर करने वाली बात है, अगर हम ऐसी सरल रेखाओं के साथ हुक लगाते हैं तो इनके साथ कोई टिक या डैश नहीं लगाते, और वक्र रेखाओं के साथ हम ये हुक लगाएंगे तो इनके साथ एक डैश लगाएंगे। जैसे कि मैं के साथ लगाया पर गय के साथ नहीं लगाया, नात तो यहाँ भी लगेगा है ना, ये पहले से समझाया, साथ तो सब में लग रहा है तो इसमें हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो और अगर इनके साथ जब तय के साथ इनके साथ स्वर आ रहे हैं आ का या फिर कोई भी हो, ये एक समझाने के लिए है आपको, इसके साथ ये नहीं कि आ का ही स्वर जरूरी है,
और कोई भी सवारा हो सकता है ना, लास्ट में तो उनकी आउटलाइन बदल जाएगी, जैसे कि माता माँ ता सॉरी दोस्तों, अब मैंने इसको क्यों काटा, मैंने सॉरी भी बोल दिया पर ये बनना था ऐसे, बनाया ना मैं ऊपर और फिर ऐसे, है ना। पर जब हम ऋषि प्रणाली में विशेष प्रकार और कोई बुक में अभी तक तो मैंने देखा नहीं, अगर हम जैसे कि ये मैं है, हम ऐसे लिखते हैं और नय को ऐसे लिखते हैं, अगर हम जब मैं को काट देते हैं तो वो नय बन जाता है, और नय को काट देते हैं तो वो मैं बन जाता है। ये ऋषि प्रणाली में एक अलग पॉइंट है दोस्तों, और आगे जो बुक देखेंगे इसके बाद उसमें देखेंगे क्या नया मिलता है। मानक में नहीं है ये पॉइंट, पर इसमें नया है। आप चाहो तो इसका प्रयोग कर सकते हो और चाहो तो इसका प्रयोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे ही नाता है ना, अब हम इसको ऐसे बनाकर काट भी सकते हैं या फिर ऐसे ही बना सकते हैं, है ना। ऐसे बनाकर, है ना, तो इसलिए। और साथ और जिसको ये पॉइंट अच्छा लगे वो स्वीकार कर लो, और जिसको नहीं लगे वो छोड़ दो, ठीक है। अब है, और जब तय बीच में आता है तो यह है आंकड़ा या हुक, केवल तय का ही उच्चारण देता है, ता ते ती का नहीं। यदि तय के पश्चात कोई स्वर आता है तो वह अगले व्यंजन के पहले नियम अनुसार लगाकर प्रकट किया जाता है, जैसे ये है प तय पतप, है ना। तो हम इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ हुक और ये, और फिर यहाँ मैंने तो यहाँ बनाते हैं तो हम कह ते, है ना, और कह ऐसे। अब आपको लगा होगा ये ऐसे घुमाते टाइम थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप इसको यहाँ समझाता हूँ मैं कह तैप, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये ऐसे, जरूरी नहीं कि हमको ये घुमा ऐसे घुमावदारी दिखाना जरूरी है, इससे संकेत मिल जाता है कि ये हुक है, ठीक है ना। जैसे कि रेतर रेतर, तो हम रेतर को बनाएंगे रेतर, एक शब्द ये है रेत है रत है। तो जब आंकड़ा बीच में लगाना संभव ना हो तो हम वहाँ पर प्रयोग नहीं करते,
जैसे कि हम ये है रे ते तो है कैसे लगाएं अब है ऐसे है ना, या फिर ऐसे भी ना लग सकता किसको, जब यहाँ तय का हुक लगाना संभव ना हो ना तो वहाँ हम इसका हुक नहीं लगाते, ठीक है ना। वहाँ हम इसकी पूरी आउटलाइन बना देते हैं, जैसे कि अब तो हम है को कैसे भी घुमा सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं, है ना। पर हुक के साथ संभव नहीं था। अगर आपको गलत लगता है ये तो आप खुद बना के देखना तय के हुक के साथ, और कमेंट करके बताना कि मैं राइट था क्या रॉन्ग था, ठीक है। और जैसे कि हमने पढ़ा जब तय बीच में आता है तो यह आंकड़ा केवल तय का ही उच्चारण देता है, तय ता का नहीं। यदि तय के पश्चात कोई स्वर आता है तो वह अलग व्यंजन के अगले व्यंजन के पहले नियम अनुसार प्रकट किया कर दिया जाता है, जैसे कि ये है जय तय जतन जय ताना है ना, तो जय ताना तो ये यहाँ आका और ये यहाँ जीत ना, जी ना पोत ना पोत ना पोतान ना पोताना ये नहीं है कि ओ के लिए ई के लिए ऊ के लिए भी है ना, तो पूत ना पुतला पुतला, ठीक है ना। जरूरी नहीं हम यहाँ पर सर्क हुक बनाए गोलाई में, हम वैसे निशान दे सकते हैं जैसे मैंने पहले समझाया, तो ये यहाँ स्थान, क्योंकि कन्फ्यूजन तो ही ना रहा है ना, पूतना पुतला और यहाँ इसका आका। और जब बीच में तय का आंकड़ा केवल सरल रेखा के अंत में लगाया जाता है, वक्र रेखा के अंत में लगाकर बीच में नहीं दिखा सकते, ये सरल रेखाओं के बीच में हम इसको दिखा सकते हैं, ना कि वक्र आने के बाद भी, जैसे कि पताका है ना पताका, तो हम इसमें तो हम दिखा देंगे, पर मतलब मतलब को समझने की कोशिश करना, तो ये मैं तय ले और बे, हमने मैं कहाँ बनाया ऐसे है ना, सुविधा रहता है दोस्तों। ट्राई करो तो आप एक बार ट्राई करना और फिर नतीजा देखना, नतीजा नतीजा जो ती का रखा है और ये जा का। अब मतलब हम मतलब में देखो दोस्तों, हुक लगा के देखते हैं ऐसे, फिर
लाइक और फिर जय बना दोस्तों। ये एक और ये दो शब्द आप ट्राई करना, अगर जो इनके साथ हुक लगा सके और उनको अच्छा लगे दिखने में पढ़ने में तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।